हेलो दोस्तों, क्रेजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं साजू तालुकदार आज जो आप लोगों के सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूँ वो व्हाट्सएप के मैसेज भेजने का कुछ तरीके या ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप व्हाट्सएप के जो टेक्सटिंग है उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड या इटैलिक बोल्ड, या कुछ ग्रुप मैसेज में कुछ फ्रेंड्स को टैग भी कर सकते हैं, और कुछ टेक्सटिंग के रिप्ले में उसको मेंशन करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ कलरफुल या कुछ स्टाइलिश फॉन्ट के साथ भी भेज सकते हैं, या फिर कुछ फन करने के लिए आप लोग एम्प्टी मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो एप्स कुछ मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, या आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी ब्लॉक। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले तो हम लोग को व्हाट्सएप हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डाउनलोड जिसका है तो वो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे डाउनलोड है तो मैं डिलीट ऑप्शन कर लेता हूँ, और जिसका व्हाट्सएप नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले ओपन करते हैं, करने के बाद हम लोग किसी भी फ्रेंड या कुछ ग्रुप में जब टेक्सटिंग करेंगे तो उसके लिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि बोल्ड कैसे लिखें। तो बोल्ड लिखने के लिए हम लोग कीपैड में पहले हम लोग सिंबल में जाएंगे। सिंबल में जाने के बाद जो स्ट्रीक है, स्ट्रीक को पहले दबाएंगे। दबाने के बाद हम लोग का जो मैसेज है वो हम लोग दबा देंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ क्रेजी ब्लॉक, फिर इसको हम लोग फिर स्ट्रेट से स्ट्राइक का यूज़ करेंगे। करने के बाद जो क्लोज हो गया तो देख सकते हैं ये कि अभी अभी ये जो टेक्स्ट है बोल्ड में हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको इटैलिक में कैसे लिखे। तो इटैलिक के लिखने के लिए हम लोग को जो अंडर स्कोर है हम लोग पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो टेक्स्टिंग लिखना है वो हम लोग लिख सकते हैं आराम से। लिखने के बाद हम लोग फिर से इसको अंडरस्कोर के साथ क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉन्ट में आ चुका है। तो हम लोग जब सेंड करेंगे तो ये इटैलिक में जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इटैलिक और बोल्ड एक साथ कैसे लिखें। तो इसके लिए हम लोग पहले स्ट्रेक के इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर देने के बाद हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का मैसेज है हम लोग टाइप कर चुके हैं, उसके बाद फिर से हम लोग अंडरस्कोर उसके बाद स्ट्रीक के इस्तेमाल करने के बाद ये हम लोग का हो गया बोल्ड इटैलिक। इस तरह से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग का फ्रंट स्टाइल, जो काफ़ी आप लोग आपके फ्रेंड लोग को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ कन्फ्यूशन में भी आ सकते हैं कि अरे भाई ये कैसे लिखा। तो ये ट्रिक आप लोग को मैं दिखा दिया तीनों ही तीनों। अब हम लोग देखते हैं कुछ फ्रेंड को हम लोग कैसे मतलब मेंशन करें टैगिंग में। जैसे कि किसी को मेंशन करना है तो आप पहले ऐड यूज़ किए, ऐड यूज़ करने के बाद आप फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे इधर दीपक नाथ है, तो मैं डी मारने के साथ साथ दीपक आ गया, लेकिन ये सिर्फ ग्रुप में ही इस्तेमाल हो सकता है, ध्यान रखिए। तो मैं दीपक को टैग कर दिया, या दूसरे फ्रेंड को भी टैग करना है तो आप फिर से टैग कर सकें। जैसे मेरे रूबुल आ गया, तो इधर दोनों आ गया है इधर। इसके बाद मैं इधर कुछ लिख सकता हूँ इसको मेंशन करके, या तो फिर कुछ मैसेज अगर किसी ने भेजा हो तो उसको भी आप, जैसे कि मेरा मैसेज है या किसी और ने भेजा हो, तो इसको अगर आप फ्रॉडिंग इसके इसके रिप्ले के हिसाब से देना चाहते हैं तो पहले इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद जो सिलेक्ट हो गया उसके बाद आप ऊपर जो रिप्ले है उसको दबा के रखिए, या तो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मेंशन हो गया। मेंशन होने के बाद आप जब इसको इसके रिप्ले में आप कुछ लिखेंगे, जैसे कि मेरा इधर सिंगल टेक्स्ट है इसलिए मैंने मेरा ही कॉपी कर दिया। अगर दूसरे का
फ्रेंड का कुछ कमेंट है उसको दबा के रखिएगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको ही रिप्लाई मेंशन हो जाएगा किस बात के लिए आप आंसर दे रहे हैं, ऐसे कि ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया, देखिए ये देख सकते हैं। तो ये तो था हम लोग का व्हाट्सएप का कुछ ट्रिक्स। इसके बाद हम लोग कुछ दोस्तों को दोस्तों के साथ फन कर सकते हैं, या कुछ ब्लैंक मैसेज भेज सकते हैं जो कि कुछ भी ना हो, मगर वो लोग को मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, खोलेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो उसको ब्लैंक मैसेज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को प्ले स्टोर में जाता है, या तो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन स्टोर से भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो पहले ज़रूरत होगा वो है ऐप का नाम है एमटी। तो हम लोग इधर एमटी टाइप करते हैं। एमटी टाइप करने के बाद हम लोग का एमटी एप्लीकेशन आ गया जो कि मेरे इंस्टॉल है। तो आप एमटी को हम लोग पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद इधर देखिए ब्लू कलर में सेंड लिखा है, तो जब सेंड को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट मेंशन आ जाएगा किसको भेजना है, जैसे कि क्रेजी ब्लॉग में मैं दे दिया, हो गया। तो देखिए जो हम लोग का कर्सर का जो ब्लिंकिंग है वो राइट साइड में आ रहा है, ऐसे ही तो हम लोग का नॉर्मली लेफ्ट साइड में रहता है, राइट साइड में आ गया। जब हम लोग इसको सेंड करेंगे तो देखिए इधर मेरे सेंड हो गया, मगर कुछ भी नहीं है, एक सिंगल डॉट भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूशन होता है, कुछ भेजा है मगर आ क्यों नहीं रहा है। तो इससे ज़रिए आप दोस्तों के साथ फान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एमटी का ज़रूरत, एमटी जो ऐप है उसका ज़रूरत होगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ स्टाइलिश फ्रॉन्ट जो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको और एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको प्ले स्टोर से। तो उस एप्लीकेशन का अब नाम है व्हाट्स, व्हाट्स ब्लू ऐप फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। तो ये मेरा इंस्टॉल है इसलिए इधर आ रहा है। तो इधर अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया है, पहले तो इसका नाम व्हाट्स ब्लू ऐप था, मगर अब ये फैंसी टेक्स्ट जनरेटर प्रो जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा डाउनलोड है इसलिए मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप स्टार्ट राइटिंग में आप जा सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग में जाने के बाद आपको उधर ऊपर लिखा है टाइप हियर, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर टाइप कर रहा हूँ क्रेजी ब्लॉक। तो देखिए इधर आप नीचे जो आ रहा है एक ब्लू कलर में आया, कुछ सिंबॉलिक आया, ऐसे बहुत सारा आ गया। आप जिस जो आपको पसंद आए उसको आप शेयर कर सकते हैं, या तो आप कॉपी टेस्ट कीजिए व्हाट्सएप या टेक्स्ट, अगर आप मैसेंजर ऐसा कुछ कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो हम लोग या तो इधर से कॉपी कर लें या तो हम व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चले जाएं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप पे आइए, जिस जहाँ भेजना है उधर आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए मेरा इधर आ गया, ये आप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये था हम लोग का कलरफुल या कुछ स्टाइलिश फॉर्म जो आप दूसरे ऐप से भी कॉपी करके इधर पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने पहले जो टेक्स्ट बताया टेक्स्ट के बारे में, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका मोबाइल का जो फ्रंट सेटिंग है, फ्रंट स्टाइल है, वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ अलग फ्रंट या कुछ फ्रंट चेंजिंग कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं तो आप भेज सकते हैं और सेंड भी हो जाएगा, मगर आपको दिखाई नहीं देगा, जो नॉर्मल दिखाई नहीं देगा, डिफ़ॉल्ट होने से आपको ये सब दिखाई देगा, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फ्रंट यूज़ करता है उसको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप लोग उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो जरूर 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 सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। If you like, then subscribe and share. Thank you.